50,000 रुपये का लोन दिया एक साल पहले। व्यक्ति 36,538 रुपये पेमेंट कर चुका है। अब व्यक्ति के पास में पैसे नहीं हैं, व्यक्ति पेमेंट नहीं कर पा रहा। रिकवरी एजेंट कॉल करके कह रहे हैं, अगर तू पैसा नहीं देगा तेरे को 5 दिन के अंदर अंदर मैं जेल भेज दूंगा, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। किस तरीके से कंपनी के साथ में फ्रॉड करते हैं तुझे पता लग जाएगा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। व्यक्ति ने इसी प्रकार का ईमेल मुझे किया। व्यक्ति की जब ये परेशानी मेरे पे देखी नहीं गई, मैंने सोचा कि कोई और व्यक्ति भी परेशान होगा, इस पर एक वीडियो बना करके आपको अवेयर कर दिया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज की इस वीडियो में इसी प्रकार के अगर आपके पास में कोई मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपको कैसे इन्हें फेस करना है, आप क्या कर सकते हैं इसमें, और इसमें हो क्या सकता है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जेन्युइन वीडियोस लेकर के आते रहें, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने मेरे एक सब्सक्राइबर को जो लोन दिया 50,000 रुपये, 36,000 कुछ रुपये व्यक्ति इसके पेमेंट कर चुका है अच्छी तरीके से। व्यक्ति के पास में अब पैसे नहीं हैं, तो इस कंपनी के द्वारा क्लियर कहा जा रहा है कि अगर तू पेमेंट नहीं करेगा तेरे को काफ़ी दिक्कत परेशानी आएगी और हम तेरे को जेल भिजवा देंगे। जब मुझे व्यक्ति ने इस प्रकार का ईमेल किया, मैंने व्यक्ति से बात की, उसका जो केस है पूरे तरीके से हैंडल किया, फिर उसके बाद में कंपनी से ही बात की। कंपनी वाले बोल रहे हैं, देखो सर इस प्रकार से तो हमें डराना पड़ता ही है, अब हम नहीं डराएंगे तो हमारा पेमेंट कैसे निकलेगा। हमने कोई इनसे बदतमीजी नहीं की, हमने इनसे कोई गलत नहीं बोला, हमने सिर्फ ये कहा कि आपको हम कानूनी तरीके से जेल भेज देंगे अगर आप पैसा नहीं देते हैं, तो आप इमीडिएट बेसिस पर हमारा पैसा दे दीजिएगा। हमने बताइए क्या गलत बोला। तो मैंने रिकवरी एजेंट से कहा कि ठीक है आप इस प्रकार से क्यों डरा रहे हैं व्यक्ति को, भाई आप तो डरा रहे हैं और व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ज़्यादा गंभीर समस्या बन जाए, इससे दिक्कत आ जाएगी ना। आप कस्टमर का ये भी तो देखिएगा कि कौन कस्टमर जेन्युइन है और कौन कस्टमर फ्रॉड है, ये चीज़ आप देखिएगा। तो कंपनी के रिकवरी एजेंट ने इस चीज़ के लिए काफ़ी सॉरी भी बोला और कहा कि ठीक है आगे से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और इन्हें कोई ऐसे जेल वगैरह नहीं हो सकती, हाँ हम तो पेमेंट निकालने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दोस्तों आपको मैं पहले ही बहुत सी वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, देखिए अगर आप किसी प्रकार का कोई भी अनसिक्योर लोन लेते हैं और आप जानबूझ करके डिफ़ॉल्ट करते हैं तब तो आपको काफ़ी दिक्कत परेशानी आ जाएगी, आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे, बैंक NBFC उस पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार का कोई भी लोन लिए हैं पर्सनल लोन और आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होगा, आपके पास में पैसे नहीं हैं, आप पेमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक और NBFC का पूरे तरीके से राइट बनता है आपके ऊपर पेनल्टी लगाए, इंटरेस्ट लगाए, और यही बनता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बनता। इस केसेस में बैंक और NBFC आपको डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, आपके साथ में उत्पीड़न नहीं कर सकता। अगर लगातार बैंक और NBFC उत्पीड़न कर रहे हैं तो वो पूरे तरीके से गलत कर रहे हैं। ये जो कंपनी थी ये थी DMI Finance। क्या आपको भी DMI Finance वाले इस प्रकार की कोई कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं? अगर आपको भी इस प्रकार की कॉल मैसेज कर रहे हैं DMI Finance वाले, आपसे रिक्वेस्ट है कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएँ। कभी भी किसी कंपनी से डरें, घबराएं ना, कोई टेंशन ना लें। देखिए आपने लोन लिया है, आपने कोई चोरी नहीं की, आपके पास में बस समस्या है कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं और आने वाले वक्त में तो आप पैसा देंगे देंगे, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छे जानते हैं, मैं भी अच्छे जानता हूँ, कंपनी भी अच्छे जानती है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो सिविल है पूरे तरीके से हैम्पर होगा, और जब सिविल हैम्पर होगा तो काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं भविष्य में, यही इससे हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता इस केसेस में, ठीक है। आशा करते हैं कि आप पूरे तरीके से चीज़ों को समझ गए होंगे, आपको भी इस प्रकार का अगर कोई इशू लग रहा है आप पूरे तरीके से टेंशन फ्री हो जाइए। वीडियो को बनाने का मकसद किसी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और आपको हम यही प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं कि आप किसी कंपनी का पैसा ना दें, हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है वीडियो बनाने का, आप अवेयर रहें, एजुकेट रहें, जागरूक रहें, आप डरें घबराएं बिल्कुल ना। अगर आपकी भी कोई परेशानी है, आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख करके हमें ईमेल कर दीजिएगा। 24 से 72 घंटे के अंदर आपको रिवर्ट मिल जाएगा और आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, हम आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आपको एक कॉल का टाइम दे देंगे, डेट दे देंगे, उस डेट पे हम कॉल करेंगे और आपकी समस्या है उसका निवारण कर देंगे हम 100%। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।